श्रोता बंधु ग्रामवासियों सबको सादर नमन। एक बार ध्यान दीजिए, कल इसी मंच से सदैव साहब ने एक बात रखी थी, जीवन किसे कहते हैं, और उन्होंने कहा था जड़ और चेतन के संयोग को जीवन कहते हैं। जड़ और चेतन का संयोग जीवन है। इसी पे कुछ निवेदन, जीवन की दो दिशा, जड़ और चेतन का संयोग जीवन है और उस जीवन की दो दिशा है। एक ऊर्ध्व गति का दिशा है, एक नीचे की दिशा है। आइए मैं गणित की भाषा में कुछ निवेदन कर लूं। गणित में प्लस और माइनस हुआ करता है, जोड़ और घटाव। हम सभी पढ़े लिखे जानते हैं गणित में जोड़ और घटाव होता है, और ये भी जानते हैं माइनस और प्लस क्या होता है। माइनस होता है, माइनस प्लस प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस 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 होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस प्लस को आप एक्वेट करेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस माइनस को आप एक्वेट करेंगे तो उसका माइनस आएगा, लेकिन प्लस प्लस को आप करेंगे तो प्लस आता है, माइनस माइनस को भी आप एक्वेट करेंगे तो उसका भी जो प्लस आता है, लेकिन प्लस दोनों है, माइनस माइनस का योग भी प्लस आता है और प्लस प्लस का योग भी प्लस आता है, लेकिन दोनों का दिशा अलग अलग है। माइनस माइनस का जो प्लस है वो नीचे की ओर ले जाता है, और प्लस प्लस का जो प्लस आता है वो ऊपर की ओर ले जाता है। जैसे आपने किसी से 10 रुपया कर्जा लिया, आप माइनस में आ गए, कर्जा आपने लिया तो आपको माइनस आ गया, आप माइनस में आ गए, फिर 10 रुपया से आपका काम नहीं चला, फिर आपने किसी से 20 रुपया लिया, वो भी आप माइनस में आ गया। अब दोनों को जोड़िए, 20 और 10 30 हो गया, 30 रुपये में माइनस में आ जाते हैं, घाटे में आप जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं। लेकिन यदि आपने आज 10 रुपया कमाया है और कल 20 रुपया कमाया है तो आपके 30 रुपया प्लस में आते हैं, आप ऊपर उठ रहे हैं। ठीक सी तरह से हमारा जीवन है, आप जो दिशा को अपनाना चाहे, आप या माइनस में जाना चाहे या आप प्लस में जाना चाहे, आप स्वतंत्र हैं, आप पर कोई किसी का अधिकार नहीं, आप जैसा चाहे। किसने कहा इसी मन से, अभी हमने सुना है कि कर्म प्रधान, ये कर्म है हमारा, या आप माइनस का कर्म करें या प्लस का कर्म करें, दोनों दिशा आपकी खुली है, जो रास्ता अपनाना चाहते आप स्वतंत्र हैं करने के लिए। एक बात और, आप जैसा करोगे जीवन में, अच्छे करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। उदाहरण दे रहा हूं, आपके दो हाथ हैं, दो हाथ में दो बीज है, एक हाथ में बबूल का बीज है, एक हाथ में आम का बीज है। आप दोनों बीज को अपने दरवाजे के दो भाग में उत्तर दक्षिण के कोने में बो दीजिए, रोप दीजिए, समय के साथ दोनों से पौधा पनपेगा, आम भी पनपेगा, बबूल का बीज भी पनपेगा। धीरे धीरे उसमें आप पानी डालिए, खाद डालिए, दोनों में, आम में भी बबूल में भी पानी डालिए, खाद डालिए, दवा हवा की सब व्यवस्था कीजिए, 10 वर्ष में क्या होगा, दोनों पौधा वृक्ष का रूप ले लेगा। दोनों वृक्ष का रूप ले लिया, ज्येष्ठ के महीना में बबूल भी फला है और आम भी।
भी फला है, फला दोनों है। शाम का समय है, आंधी आई है, जोरों की आंधी आई है, बबूल से ही उसके टहनियां टूटे हैं, फल गिरे हैं नीचे, और आम के भी टहनियां टूटे हैं, फल गिरे हैं नीचे। आपके पास टॉर्च नहीं है, आप अंधेरे में जाते हो। आप पहले बबूल के पेड़ के निकट में जाओगे, क्या मिलेगा वहां? आपके पैर में कांटे गड़ेंगे। रुपा आप ही में है, आपने ही समय के साथ उस बबूल के बीज के निकट में गंगा जल को ढारा है। चौपारा प्रसाद भी आपने किया है, अष्टजाम भी आपने बबूल के पेड़ के निकट में किया है, आपने भागवत की कथा भी करवाया है। सब कुछ करवाने के बाद भी यदि आप उस पेड़ के निकट में जाओगे, सामने जब आंधी आई है, पेड़ से टहनियां गिरे हैं सूखे हुए, फल गिरे हैं सूखे हुए, पके हुए, आप वहां जाओगे तो आपके पैर में क्या करेगा? बबूल के से टहनियां गिरी है, क्या करेगा आपके पैर को? कांटे चुभ जाएंगे आपको, बहुत दर्द का दे जाएगा। लेकिन आप आम के पेड़ के निकट में जाए ना, आपने कभी वहां अगरबत्ती जलाई, ना चौपारा प्रसाद के, ना सुजान के, ना भागवत किया है, और वहां जो पेड़ से जो आम गिरा है वो पका पका पीला पीला आम है, उसको आप लाओगे तो क्या करेगा वो आम? आपको कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। ये कर्म सिद्धांत है आपका। या तो आप जीवन में बबूल का पेड़ लगा लो, या अपने जीवन में आम का पेड़ लगा लो, कर्म आपको छोड़ेगा नहीं। दुनिया की कोई शक्ति नहीं है, यदि आपने गलत कर्म कर लिया है तो कोई शक्ति भगवान का क्या कहें, भगवान को पैदा करने वाला भी भगवान आ जाएगा तो आपके गलत कर्म को ठीक नहीं कर सकता। यदि आपने अच्छा कर्म किया है, किसी को दिया है, निश्चित रूप से आपको मिलेगा। यदि आपने किसी को दुखाया है तो निश्चित रूप से, एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आपने आज दुखाया है किसी को, आज ही वो मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। काजू हम लोग खाए हैं, काजू कहते हैं 45 वर्ष के बाद वो फलता है, लेकिन फलता है। 45 वर्ष का जब पौधा हो जाता है, पेड़ हो जाता है, तब जाकर वो फलता है। इसका मतलब जो पेड़ लगाया है और वो विश्वास कर ले कि नहीं नहीं फलेगा, निश्चित फलेगा, ठीक उसी तरह से आप जो कर्म किए अच्छे या बुरे, हो सकता है तत्काल आपको नहीं मिले, लेकिन आपको मिलेगा। आपके द्वारा किए हुए कुछ ऐसे भी कर्म हैं, हो सकता है आपको नहीं मिलेगा, आपके बाल बच्चे को मिलेगा। आप कुछ ऐसे भी कर्म करते हो समाज में, दो भाई के बीच में आपने टकराव कर लिया, हो सकता है एक भाई आपका आपके पुरुषार्थ से नीचे है, आपके पुरुषार्थ में बराबरी नहीं कर सकता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा, हो सकता है आपका पारिवारिक पुरुषार्थ कम जाएगी, और जिसके साथ में आपने बुरा व्यवहार किया उसका पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। ओपन आपके द्वारा दिया गया परिणाम आपके बच्चे को भोगना पड़ेगा। इसलिए अब जो भी कर्म करें जीवन में, अब जो भी करना चाहते हैं जीवन, सुख पाना चाहते हैं, इसके लिए आप अच्छे कर्म करें। सुख देवे सुख होत है, दुख देवे दुख होत है, ये अटल नियम है। इसलिए सबसे पहले आप अपने कर्म का सुधार करें। कवि ने कहा, आपन कर्म मन में तो जाई, आप जैसा कर्म करोगे मिटा नहीं सकता। जब स्वयं राम ने अपना कर्म किया, बुरा कर्म किया, कृष्ण ने बुरा कर्म किया, परिणाम सभी जानते हैं कि राम को सरयू नदी में डूब के मरना पड़ा और कृष्ण को व्याधा ने मारा, वो कर्म का फल था उसके साथ। इसलिए जब ऐसे महान, जिसको हमने भगवान कहा है, जिसके लिए आज
तमाम संसार के वो यही चोटी कर रहा है उसको पाने के लिए, और स्वयं अपने कर्मों को नहीं वो टाल सकता है, तो हम कैसे अपने कर्म को टाल लेंगे? इसलिए कर्म के सिद्धांत को आप माने और उस पर अपने को चलने का प्रयास करें। इसी शुभकामना के साथ देता हूं वाणी विराम, और आपके तमाम हृदय में बैठे हुए राम को त्रैवार साहेबन की करता हूं साहेबन।